शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक बात बताओ रंगीला। हाँ बोलो ना भाव। इस देश में ना जो लोग सही रास्ते पे चलते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, और जो लोग राजद्रोह, देशद्रोह, स्मगलिंग जैसे काम करते हैं लोग उन्हें हार पहना देते हैं। मुझे ताजुब नहीं होता कि इस देश में सन्यासियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरे जैसे मेहनती लोग जब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते तो कंटाल के आखिर में क्या बन जाते हैं? सन्यासी बन जाते हैं। सही कह रहे हो भाऊ। मैं जब सातवीं कक्षा में था तो कुछ वक्त के लिए नक्सलवादी बन गया था। क्यों? अरे हमारा हाल आप जैसा था भाऊ। मैंने बाप से बर्फ का गोला खाने के लिए पैसे मांगे, नहीं दिए, तो जाके सीधा नक्सलवादी बन गया। अरे बाप रे। भाऊ वाट लग गई वाट। क्या हुआ? अरे ब्याज करोड़ी मैंने देख लिया आपको। फटाफट पैसे मारो, फटाफट फटाफट। अकेला है वो? नहीं नहीं, उसके साथ गुंडे भी हैं। वो देख। मार। अबे रोक बे। क्यों बेटा? थक गए साइकिल चला के? अरे कबूतर भाई। अरे यहाँ करोड़ी बाल जी। अरे वाह, मेरा नाम तुमको अभी तक याद है? भूले नहीं। क्या याददाश्त है साले की, अभी तक नाम याद है। सर जी कल आप कहाँ रहेंगे? क्यों उस तरह तू नहीं जाएगा? नहीं मैं आऊंगा ना वहाँ। हाँ, तो क्या खास बात है? खास बात है मैं, अरे खास बात मतलब मुझे आपके देने ना 130,000 रुपए। खबरदार, तूने फिर वो सब मुझे याद दिलाया तो शर्म नहीं आती। अच्छे खासे राज घराने का, तेरे बाबू जी जज थे। अरे उनका नाम बदनाम करने की ठान लिया तूने? तू अपनी जबान पे कायम क्यों नहीं रहता? आप लोग चलिए यहाँ से। सेठ जी मुजरा कर रहे हैं, चलिए यहाँ से। हाँ, चलो। क्या कर रहे हैं आप? आहिस्ते बात करिए ना, मेरी बेइज्जती हो रही है। मैं बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर। अरे मालूम है कॉन्ट्रैक्टर है। एक काम करता हूँ मैं, मुझे जैसे चेक मिलेगा मैं आपके पास आके आपको दे दूंगा। पिछली बार तूने क्या बोला था? 3 दिन में चुका दूंगा। 3 दिन? मैं 3 महीने बोले थे। 3 दिन? मैं 3 दिन नहीं, 3 महीने बोले। 3 दिन? 3 महीने बोले थे। 3 दिन बोले? अरे तू जरा छोटू बेटा क्या बोला था? 3 दिन बोले थे? 3 महीने बोले थे? 3 दिन बोला था ना? 3 महीने बोले थे ना? 3 दिन? मुझे कुछ याद नहीं। क्यों, तुम्हारे दिमाग पे बिजली गिरी थी? सेठ जी, हां सेठ जी इधर आइए। उधर क्या है? इधर आइए। इधर साले तू क्या रे? मेरे तू बोलने को होता नहीं क्या तेरे को? क्या पागल है क्या? ये लोग आपको ऐसे पैसे देने वाले हैं नहीं। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। हाँ बोल बोल बोल। अगले हफ्ते आपकी बेटी की शादी है। अरे तो इसके साथ शादी करवा दूँ पैसे वसूल करने के लिए? सेठ जी बात तो सुनिए, शादी है तो घर का काम तो करना है, मतलब पेंटिंग रिनोवेशन वगैरह, इसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, माल मटेरियल सब उसका। जब काम होगा, पैसे लेने आएगा तो बोल दीजिए जो मैंने उधार दिया था उसमें से काट लो, उतने पैसे वसूल हो जाएंगे। सही बोल रहा है सेठ। पहली बार अकल की बात की है तूने। चल ठीक है, आजा। एक अंगले ए भूखे नंगे। क्या कर रहा है? अगर मैं तुमको कोई काम दूं तो करोगे? हाँ करूंगा ना, मेरे पास ऐसे छोटे मोटे वर्कर बहुत हैं। ठीक है। भाई साहब मेरे अकेले की फोटो लेना। अकेले खींचो, अकेले खींचो। सोचते हुए ये जा रही है। हाँ। बात सुन, किसी सस्ते पेंटर को पकड़ और इसके ऊपर लिखवा टिचकुले कंपनी का रोड रोलर। चल, और लाल पेंट है, लाल पेंट, पेंट, लाल पेंट। चल, चल, चल। हाँ, सब फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है, अब आप रोड रोलर ले जा सकते हो। मुझे आप लोगों से परेशानी नहीं है, पर आप अपने ऊपरी ऑफिसर को बोल देना कि ऐसा टिचकुले के साथ ज्यादा खिलवाड़ ना करे। अभी देखा ना क्या हुआ? आपने खुद देखा भाई साहब क्या हुआ, कैसे ये रोड रोलर मेरे कब्जे में आ गया। उसी तरह आइंदा ऐसे किसी ने भी कुछ करने की कोशिश की तो ये सारा सारा का सारा बिल्डिंग मैं अपने कब्जे में ले लूंगा और उस पर लिख दूंगा टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का म्यूनिसिपल ऑफिस। फीस? ये सरकारी दफ्तर है, यहाँ शोर मत मचाओ। मैं तो सिर्फ अपनी भावनाएं बता रहा था। अबे ये भावना अपने घर पे जाके दिखा। अब ये रोलर लो, निकलो यहाँ से। टोटल जो खर्चा हुआ उसमें पुलिस स्टेशन में आपकी जमानत करवाई उसका 11,000, रिश्वत दी उसका 5,000, आगे खाने पीने का 300 रुपया और ये तेरे बाप का है, तेरे बाप का है। भाई हटा हटा, फिर एक काम कर, गद्दा ऊपर डाल, सो जा, निकल यहाँ से, निकल निकल। टोटल बिल 8,900, चाय पानी का अलग। नारियल तोड़ने को बोला था, पीठ तोड़ने को नहीं बोला था। अरे आप बीच में तो हम क्या करें? मैं तोड़ता हूँ। लो आप फोड़ो। ये बचाली हराई बलाई दूर हो।
अबे तेरी तो क्या रे, ज्यादा चर्बी चढ़ी तेरे को, एक दूंगा ना। मैं थोड़ा नारियल फिसल गया मेरे हाथ से। आप जाइए, नया कांच लगवा दीजिए, मैं पैसे भिजवा दूंगा आप थाने, जाइए। चल रहे। अरे कब्जा देखने नहीं है जीजा जी? कब्जा क्या मुजरा है जो देखने आऊं? ये तमाचा है उन लोगों पे जो मुझे आलसी समझते हैं। अरे आओ आओ सब लोग आओ, कब्जा देखने आओ, देख लो आम आदमी की कैसे जीत हुई और म्युनिसिपैलिटी वालों की हार हुई। आओ। मैडम मैडम मैडम, ये ना चीज आपका रोड रोलर लेके जा रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ऐसा कोई भी इंडियन जो देशभक्त है वो अपने देश के साथ इतनी घिनौनी हरकत नहीं करेगा। मैडम यहाँ पे इंडियन कौन है? अमेरिका में जाओ तो अमेरिकन मिलेंगे, जर्मनी में जाओ तो जर्मन मिलेंगे, फ्रांस में जाओ तो आपको फ्रेंचमैन मिलेंगे, इंग्लैंड में जाओ तो इंग्लिशमैन मिलेंगे, और इंडिया में जाओ तो आपको मिलेंगे मराठी, गुजराती, पंजाबी, मलयाली, बंगाली। इंडियन कहाँ है? इस देश में सिर्फ एक ही जगह आपको देश प्रेम देखने को मिलेगा, वो है इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। बाकी कहीं भी आपको देश प्रेमी नहीं मिलेंगे। सबको अपनी तिजोरी भरनी है, सबको अपना पेट फुलाना है, दैट्स ऑल। गुड बाय मैडम। और हाँ, बड़े इत्तेफाक की बात है मैडम, जब मैंने म्यूनिसिपैलिटी का सत्यानाश करना शुरू किया उसी वक्त आपने अपना ओहदा संभाला, आपके सार गए और आपका नाम खराब हो गया। इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ठीक है मैडम? अच्छा जी, राम राम राम। सेठ जी क्या है? सेठ जी आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? मुझे कुछ पैसे चाहिए। किस लिए? कल रात को मेरी माँ बेहोश हो गई, मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया, कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल, तो उन्होंने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओ, एक मिनट। हेलो हेलो, हाँ रेणुका, खाने में क्या भेजोगी? अरे नहीं, चपाती मत भेजना, चावल भेजना, चावल। हाँ ठीक है, हाँ उसे। एक मिनट, लाइन पे खड़ी रहे, लाइन पे रहे। हेलो, हाँ रामचंद्र जी, हाँ बोले बोले। हाँ आपकी लिस्ट मिल गई है, मैं जरा ये चेक करके देखता हूँ दुकान में सामान है कि नहीं। हैं? लाइन पे रहिए, लाइन पे, एक मिनट लाइन पे। गोपी हाँ, जरा ये चेक कर सामान है कि नहीं दुकान में। हैं? जल्दी कर, बता मुझे बता। हाँ भाई, तेरी माँ बेहोश हो गई। हाँ, बेहोश हो गई, हॉस्पिटल लेके गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने बोला 5 बोतल खून चाहिए, तो ब्लड बैंक से 5 बोतल खून खरीद के जब वापस आया तो उन्होंने बोला 5,000 रुपए काउंटर पे भरने पड़ेंगे। तो 5,000 रुपए जब काउंटर पे, छोटे के लिए चाहिए, अपने पास बड़े के लिए। अच्छा, छोटे के लिए नहीं है? हेलो, देखो छोटे के लिए नहीं है, बड़े केले चलेंगे। हैं? चावल में केले कैसे मिलाओगी? अरे अरे रेणु रेणु, तुम हो, तू रामचंद्र के साथ वहां क्या कर रही हो? हैं? अरे एक काम करो, चावल के साथ अंडा करी भेज दो, ठीक है? और लाइन पर रहो। हेलो, देखो छोटे केले नहीं है, अंडा करी है, भेज दूं? अरे नहीं नहीं रामचंद्र जी, क्षमा जाता, मेरा मतलब छोटे केले नहीं है, बड़े केले हैं, चलेगा? हैं? हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ हाँ, लाइन पर हो भाई। उफ, सेठ जी। हाँ, तेरी माँ बेहोश हो गई। कभी? अरे तूने बोला ना कल रात को तेरी माँ अस्पताल में बेहोश हो गई। यार तू, मेरी माँ बेहोश हो गई। अच्छा, तेरी माँ? हाँ, मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया, भरने के लिए 5,000 रुपया नहीं थे तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया, वो बोला मेरे पास सिर्फ 4,000 रुपया। मैंने बोला 4 तोला? पेंट का 5 किलो का डिब्बा नहीं है, 10 किलो का है, चलेगा? अच्छा पूछता सर जी, सर जी, सर जी, मेरी बहन की शादी है, मेरे को पैसे चाहिए प्लीज। रुको एक मिनट। हेलो रामचंद, 5 किलो की शादी नहीं है, 10 किलो की शादी है, चलेगा? शादी की बात कौन बोला? अबे साले तू अभी बोला शादी करनी है तेरी बहन की, तू बोला? सर जी मैंने बोला मेरी बहन की शादी, मेरी बहन की शादी। तूने बोला? सॉरी। पेंट। हाँ पेंट का 10 किलो का डिब्बा है, चलेगा ना? हाँ ठीक है, तो लाइन पे रहो, बताता हूँ अभी। हाँ चलेगा, भेज दे। हाँ भाई, हाँ तो तू, तेरी माँ की शादी? मेरी माँ बेहोश हो गई। शादी की बात मैंने की थी। तो तेरी माँ की शादी? मेरी माँ की नहीं, मेरी बहन की शादी है। अरे यार अभी तू बोला तेरी बहन बेहोश हो गई, मेरी माँ अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने पैसे मांगे। ओहो, ये क्या कंफ्यूजन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। किसकी माँ? ताला नहीं है अपने पास। है? ताला नहीं है अपने पास, खाली कड़ी है। हाँ तो ठीक है, मैं बोलता हूँ उसको। हेलो हेलो, हाँ कड़ी है, कड़ी है, अंडे में कड़ी कैसे डालूं? अरे रेणुको तू है क्या? लाइन पर है, एक मिनट। ओफो, हेलो रामचंद, ताला नहीं, अंडा है, भेज दूं क्या? कड़ी चलेगी? हैं? हाँ तो ठीक है, कड़ी भेजता हूँ, लाइन पर हो, उसको भेज दो ना भाई। हाँ भाई, तेरी समस्या क्या है? सेठ जी, मेरी बहन की शादी है। सेठ जी, मुझे पैसे चाहिए। मैं कुछ भी गिरवी रखने को तैयार हूँ सेठ जी। गिरवी? तू? हेलो हेलो रेणुका, जरा लाइन पर रहना, बताता हूँ।
रामचंद लाइन में रहना, बताता हूँ। हाँ तो तू अपनी माँ को अस्पताल में गिरवी रखे आया। बेहोश हो गई, अस्पताल ले गया, खून खरीदा, डॉक्टर को पैसा दिया। अरे तो तेरी प्रॉब्लम क्या है? ऑपरेशन हुआ, माँ मर गई। हेलो रेणुका, तूने जो भी तैयार किया ना भेज देना। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा हाँ तो भाई, तेरी बहन मर गई। मेरी बहन मरी नहीं है, उसकी शादी है। आपको पैसे देने दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। बकवास सुनने नहीं है आपकी यहाँ? अरे जा, कितना अकड़ रहा है, कितनी बार उधार ले चुका है तू है? अब अकड़ के जा रहा है अभिमानी, इसका घमंड देखो। अरे गोपी, इसको पकड़ो साले को, कमीने को छोड़ना मत। कितनी बार उधार लेकर गया है, अकड़ रहा है। रावण की औलाद है कमीना साला। तो तेरी माँ बेहोश हो गई। बेहोश हुई तेरी माँ। बाहर में जाए तेरा पैसा, बाहर में जाए नौकरी, बाहर में जाए तू, मैं जा रहा हूँ। अबे पहले मैंने सबसे पूछा अंशुमान किधर है, तो बोले यहाँ कोई अंशुमान बंशुमान नहीं। अरे खाली अंशुमान पूछेगा तो बहुत ही देर, अवार्ड अंशुमान पूछेगा तो पता चलेगा ना। अवार्ड अंशुमान? हाँ, इसके पीछे कहानी है। सुना क्या? नहीं नहीं। घाट वालों में? नहीं। गिरगर्दन घाट? गिरगर्दन घाट। अरे घाट बोलेगा तो ऐसा घाट, हाँ। उसमें बड़ा बड़ा मतलब, हाँ। तीन हाथी जितना लश्कर का रोड रोलर लेके मैं ये ढलन की ओर जा रहा था, हाँ। और सड़क पूरी बर्फ से लदी हुई थी। रोड रोलर कभी इधर चले, कभी उधर चले, कभी इधर चले, कभी उधर चले, अन दोनों तरफ से खाई। तू नीचे देखेगा ना, तेरे को लगेगा तू यौवन में बैठा है। क्या बात कर रहे हो? अरे बात मान क्या है, सड़क पे चलने वाले पैराशूट बांध के चलते मालूम है? नहीं। क्यों? क्यों? अरे आज कोई नीचे गिरा ना, हाँ? वो तीन दिन बाद पहुंचता है। अन अचानक रोड रोलर का ब्रेक फेल, फिर ये नीचे से गाड़ी, ये मैं छोड़ा नहीं, जरा भी खसका ना तो गया। देवा शपथ, इंजन रॉकेट के मां भी दौड़ रहा था, धक 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 धक, रोक नहीं सकता था, बर्फ थी ना। और फिर? फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर 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 किनारे पे लटका किनारे पे, ऐसा बैलेंस, ये बैलेंस सब पब्लिक देख रही थी। मैं ऐसा निकल के, ये निकल के किनारे पे संभल के आ गया। फिर PWT मंत्री आके मेरे को अवार्ड दिया। उधरिच? उधर नहीं, तीन चार दिन बाद में आके दिया। आके घर पे दिया, पेट पे थपथपाया, बोला तू अंशु, तू अंशुमान नहीं, तू हनुमान है। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारी शक्ल देख के बोला होगा। मस्करी करता क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं फेंक रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं फेंक रहा हूँ। अरे बिल्कुल ऐसा नहीं, नहीं फेंक रहा, फेंक रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, चल, यकीन नहीं है ना, चल साइकिल घुमा, चल जी, जाके किसी और को ढूंढ ले, चल। एक मिनट एक मिनट, अरे चल, अरे हमें पूरा यकीन है, आप चलिए आप चलिए आप चलिए, ये गाड़ी घुमा। ये बोला था दिखाएगा हाथी, निकली चीटी। चीटी? लगता है मामा जी की उम्र हो गई रे बाबा। ये कैसा आदमी लेके आया तू? हाँ चीटी, मामा जी क्या बोल रहे हैं, पागल है क्या आदमी? ए चाबी दे, ए चाबी दो, चाबी दो, ये लीजिए। अरे दाहिने हाथ से दो, ये लीजिए। कुल मिलाकर खर्चा? हाँ मालूम है मुझे, मालूम है। कुल मिलाकर खर्चा आपका 10,452.55 और 99 रुपए आपके रिक्शा के। बराबर बराबर याद है आपको? अरे हाँ भाई, मुझे किसको कितना देना है, कितना लेना है, सब इस बोरिए के अंदर लिखा हुआ है। और एक बार ये रोड पे गड़ाकर चलना शुरू हो जाए तो मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, आपके पैसे आपके ऑफिस पहुँचा दूंगा। आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ ठीक। ए ढीले, जरा डीजल डाल। अभी इसमें पेट भर के डीजल डाला मैंने। फिर तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। ए लोड कर, हाँ। जरा स्क्रू ड्राइवर दे रहे, जल्दी दे, जल्दी दे, हाँ। ये लो, ये लो। आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ। प्रॉब्लम क्या है? इधर से तो कुछ नहीं दिख रहा। ए माकड़ तो अंडा चिया, ये चालू हो जाएगा ना, सपट हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा। हट बाजू में, हट ले, हट। हाँ
बोल पत्ता बोल। हरामी उधर उधर। तुम में से कोई भी नहीं आएगा समझे ना, सब लोग चल के आएंगे, इसलिए मैं चढ़ूंगा ऊपर। चलो बंद क्यों हुआ? चल चल। अरे जब भी ऊपर चढ़ता बंद क्यों कर देते हो? कहां से पकड़ के लाए इसको? ये जब भी तू चढ़ता है ना ये बंद होता है। पनौती उतर उतर नीचे उतर। अब भी ठीक करके देता हूँ। आप भी ठीक करके देता हूँ। अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है। स्पार्क प्लग में लोचा है। ए लोंडकर जी, डिब्री खोलने का पाना दे मेरे को। ये लो। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? अभी ये क्या हुआ? अरे कुत्ते गियर बॉक्स टूट गया। अभी ठीक करके देता हूँ। अभी ठीक करके देता हूँ। अभी ठीक करके देता हूँ। जब से अभी ठीक करके देता हूँ। कब करेगा ठीक? गिर गर्गन घाट का नाम सुना? अरे वो कहानी मैं बाद में सुना दूंगा, आप जाके काम करो। कौन सी कहानी है? अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। इसका पूरा गियरबॉक्स बाहर निकालना पड़ेगा। गियरबॉक्स? फिर तो बहुत वक्त लगेगा। ये तो रोलर को खांदे बोलो लास्ट के लेके जाओ। रोलर ला खांदे और के हुंदा कि रे माला विजत्रा लगे। बंद कर। करना क्या बोलो? अरे मैकेनिक को बोलो और पूरा गियरबॉक्स बाहर निकलवाओ। ये जो बोल रहा है ना करो। ए वो वेल्डिंग मशीन में लेके आना, चार पांच खड्डा गिर गया उसको भरने का है। भाऊ हां जो बोलता कर। और कुछ चाहिए? दो तीन चाय एक वड़ा पाव बिरयानी बोल दे। हवा मेरे को इसकी तरह बराबर लग रही है, पर ये पहिए अगर हम निकल सके तो मालूम पड़ेगा कि इसकी तरह लोचा क्या है। लगता है इसका एक एक पार्ट है ना काट के इधर से लेके जावे वही अच्छा है। अरे लौंडकर। हाँ भाई। अरे जरा गियर बॉक्स में घुस के देख, चूहा या घोरपट तो नहीं घुस ले उधर? सब देख लिया उधर। अरे गंगिया, अरे इसमें देख कॉर्पोरेटर है कि नहीं देख। ये ये थोबड़ पे के लाइट मार के बैठा, ये दाढ़ी बनाओ के तेरा सलून में बैठे। हट हट हट, लाइट मार उधर, लाइट मार। ओ भाई साहब एक मिनट जरा। हाय ये बराबर देख रहे उधर क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सुबह के चार बज गए, अब कब तक काम खत्म होगा? आप भी ठीक कर रहे हो तो अभी तो हाथ में है। बस यही लाइन सुनते हैं अभी आ हाथ में। चल ना एक काम कर, मेरे जांगे पे बैठ जा। अभी तक तुम इसे लेकर गए नहीं? आपने कुछ कहा? मैंने कहा अभी तक तुम इसे लेकर गए नहीं। अगर मैं इसे लेके गया होता तो ये यहाँ पड़ा होता? ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। हाँ है। और अभी हमारी प्रॉपर्टी पर पड़ा है। अगर इसे यहाँ से इसी वक्त लेकर नहीं गए तो मजबूरन मुझे हर घंटे इसका भाड़ा तुमसे वसूलना पड़ेगा। हुकुम करिए, भिजवा देते। नहीं नहीं मैडम, हम अभी कभी इसे ले जाते हैं। और अगर नहीं ले गए तो दिन का 10,000 रुपए भाड़ा। 10,000 क्यों? 10,00,000 भिजवा देते अभी, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी।
भाड़ा नहीं भरा तो हम लोग रोड रोलर पर कब्जा कर लेंगे, समझे? अभी बहुत हो गया, करके दिखाइए, देखते हैं। हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ। हाँ दिखाइए, डर गए क्या? डर गए क्या? और अगर नहीं ले जा सकते तो लकड़ियाँ लाके इसे यहीं जला के हड्डियाँ गंगा में बहा देना, कम से कम पुण्य तो मिलेगा। साले, जब से तेरा धोबड़ा देखा तब से तू बोलता है अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ, ये कभी ठीक करेगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मेरे पे भरोसा नहीं तो हमारा 5,034 रुपए हमको दे दो और हमको छोड़ दो। 5,034 रुपए किस बात के लिए? इसकी माँ बहन करने के लिए? इसकी माँ बहन करने के लिए नहीं, ये सब परिवार खोल के इधर रखने के लिए, समझे क्या? किसने बोला था खोलने के लिए? किसने बोला था खोलने के लिए? किसने बोला था? ले 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 ले, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं नहीं, मेरी गलती है। नहीं बाबा, मेरी गलती है। नहीं भाई साहब, मेरी गलती है। मेरी गलती है। मिनट, देखो लड़ाई झगड़ा करके यहाँ तमाशा मत बनाओ, है? एक तो ये सरदर्द है, दूसरा तुम दोनों सरदर्द हो। ये लोग आया था, इनको जरूरत की नहीं। फिर जो हो गया सो हो गया, कैसे भी करके इसको यहाँ से बाहर निकालो। पहले इस पागल को बोले इसे ठीक करके बाहर ले जाए। किसको बोला पागल? कौन पागल? मैं पागल। किसको बोला पागल? मैं पागल। एक मिनट। एक ही तरीका है। क्या है? इसे अपने सर पे उठा के लेके जाओ। भाव, हम इसको हाथी से खिंचवा लेते हैं। और खर्चा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं, और खर्चा नहीं कर सकता। और खर्चा नहीं। सुनो, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं जाता हूँ, हाथी लेकर आता हूँ। झगड़ा नहीं।